सवाल नाचे जवाब गुम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? ला हौला वला कुव्वत। हमको भूल गया बच्चा? हीरा? मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। मेरा एक दोस्त है तजम्मुल, बहुत जबरदस्त गेटअप आर्टिस्ट है। मैंने उसकी वीडियो देखी है, वो कुछ भी बन जाता है। उसने मुझे सिखाया, तुम्हें भी सिखा देंगे बच्चा। कैसा लग रहा? अगर आप थोड़ी देर कुछ ना बोलती मुझे पता नहीं चलता। तो कमाल है। माशाल्लाह, लगता है अब आप मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र, बदन तो जवाब दे चुका है लेकिन दिल ने हार नहीं मानी। जब तक चिमनी औरत जिंदा है मुझे कुछ नहीं होगा, बता रहा हूँ। इंशाल्लाह हम उसे ढूंढ लेंगे। वाजिद से बात हुई आपकी? वाजिद को मैंने फोन किया था लेकिन उससे फोन नहीं उठाया। शायद वापस फोन करे, लेकिन वाजिद कुछ नहीं करेगा, ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कितने का पेट्रोल डालूं? अच्छा, तो मुंह से बोले ना।
चुप कर रोजा, बड़ी अजीब बात है। ट्रंक ओपन कर दे। देश से मिलना है, लेकिन दरवेश को तो मरे हुए कई महीने हो गए। अरे भाई तुम क्यों परेशान हो गए? और कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम और उस घर में क्या कर रहे हैं? हाँ अरे भाई बताओ कौन हो तुम?
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है? राइट टर्न करना प्लीज गाड़ी। क्या नाम है आपका? मुश्ताक, इसे बाहर लेके, बाहर लेके मशकू गई, लेके आए शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आ रहे हैं आप जी? कहाँ से आए आप? क्या नाम है क्या आपका? ये तो मुझे अच्छे लग रहे हैं कि क्या क्या नाम है बोले आप? ये क्या मुझे ऐसे लग रहे हैं, ये क्या? पुलिस कंट्रोल डीओ, लेडी पुलिस को भेजें, पुलिस एक नाके पे है, एक लेडी को सेट करना है थाने में। कुछ बताया इसने? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। कौन कौन है तुम्हारी टीम में? चोरी करती हो? मैं जुर्म नहीं करती। जुर्म नहीं करती तो क्या करती है? वीडियो बनाती हूँ, स्मार्ट वीडियो ऐप पे। क्या करती? स्मार्ट वीडियो ऐप पे वीडियो बनाती हूँ। मेरे पास स्मार्ट वीडियो ऐप है। नहीं मैडम, मैं तो नमाज से परहेजगार हूं। बस कर, अपना मोबाइल दो मुझे, इसका खोलो ना अकाउंट, तो पासवर्ड लाया ही। बीबी अपना अकाउंट इसमें खोलो। आजकल ना सोशल मीडिया ने बच्चों को पागल कर दिया है। मेरा बेटा और बेटी सारा दिन यही काम करते रहते हैं। बेटा मेरा तो सारा दिन बैटमैन की वीडियो बनाता रहता है और जोकर की। और मज़े की एक और बात बताऊं, 4 महीने से तो उसने स्पाइडरमैन के कपड़े ही नहीं उतारे। कहाँ थी तुम बताओ?
मैं कुछ पूछ रही हूँ। हीरा आराम से बात करो उसके साथ। आराम से बात करूं? मैं सुबह से इसको कॉल्स कर रही हूँ, ना इसने मेरी कॉल पिक की आज। कहाँ है किस हालत में कुछ नहीं पता मुझे, और तुम कह रहे हो मैं इससे आराम से बात करूं? कहाँ थी रिश्तीना? रिश्तीना? रिश्तीना तुम कहाँ थी? रिश्तीना कुछ बोलोगी? रिश्तीना? कुछ पूछ रहा है वो, कहाँ थी तुम? आखा जान, अरे जान मर गए, जान मर गए। I'm sorry रश्तीना, मुझे नहीं पता था। मैं पहली रात पे जलालम बस स्टेशन पहुंच गई। जलालम बस स्टेशन से घर का रास्ता मुझे पक्का आता है। आजाद ने याद करवाया था घर से निकलने से पहले, तस्वीरें बना बना के याद करवाया था। मेरे घर पे जाके दस्तक दी, किसी ने नहीं खोला, कोई नहीं था घर से निकलने से पहले। वहां घर पे अचानक मातूर आ गया था, उसने आते ही बता दिया कि घर पे कोई नहीं है क्योंकि आगे जान मर गए। पर उसने तुम्हें पहचाना नहीं? पता नहीं, शायद मैं उसको मार के भाग गई वहां से। क्या करूंगी, मैं तो बस आगे उनका इंतजार करती रहती थी, बस उनके बारे में सोचती रहती थी। मैं उनके बगैर क्या करूंगी? उठी, थोड़ा सा दूध पी ले, फिर आपने दवा खानी है। जा यहाँ से, दूध नहीं पीना मुझे। दवा खा ले, दर्द की शिद्दत में कमी आ जाएगी, खा ले। टल नर्स बन के मेरे सर पे खड़ी है, जा। कैसी तबीयत है आप? कुछ नहीं हुआ, बात ठीक हूँ। नहीं, कुछ तो हुआ है, लेकिन समझ नहीं आता कि वो था कौन। अब्बा, समझ तो मुझे भी नहीं आई। मुझे तो लगता है कि ये भी उस मनहूस लड़की का काम है। अब्बा, शक तो मुझे भी यही हो रहा है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि वो कोई औरत थी और दाढ़ी मूछ लगाकर मर्द बनी हुई थी। और तूने उसको रोका नहीं है? उसको वहीं पर मारा क्यों नहीं तुमने? अब्बा, मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक से डंडा दे मारा उसने मेरे सर पे। डंडा दे मारा, डंडा दे मारा। कारवान खान का बेटा है, हैरत नहीं है तेरे में? डरा मन तू? तूने उसको जाने क्यों दिया है? क्यों जाने दिया? उठो यहां से, उठो, उठो, ले गया उसको, उठो। क्या सोच रही हो?
आखाजान, उस तहखाने में इतनी खूबसूरत जिंदगी थी मेरी, छोटी सी दुनिया, चार दीवार, बस मैं, मेरे आखाजान, रम्मा। 20 साल तक मैं सोचती रही कि कब मैं उस तहखाने से बाहर जाऊंगी, कब दुनिया देखूंगी। मुझे पता होता दुनिया ऐसी है, मैं कभी वहां से बाहर ना आती। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम जब से मुझसे मिली हो रोज तुमने आगा जान का जिक्र किया है। उनका ऐसे चले जाना दुख तो है, पर इस दुख में अपने आप को निढाल मत करो, जिंदगी की तरफ वापस आओ। क्या हुआ होगा आगा जान को, क्या हुआ होगा? तुमने कहा है ना रुस्तम से, पता लग जाएगा। नहीं पता चलेगा तो मैं जाऊंगी जलालम। ऐसा सोचना भी मत कि तुम जलालम जाओगी। अल्लाह का शुक्र करो कि तुम जिंदा वापस आ गई हो जलालम से। नहीं चाहिए जिंदगी, ऐसे जिंदगी नहीं चाहिए। अगर कारवान और बातूर ने मेरे आगा जान का कत्ल किया है, मैं उनका कत्ल करूंगी। पागल मत बनो, सोचना भी मत जलालम जाने का, और ना मैं तुम्हें जाने दूंगी। रुस्तम को कॉल करते हैं, वो बताएगा हमें क्या करना है। तुम्हारे आगा जान की वफात निमोनिया से हुई थी। 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन सेहतयाब नहीं हो पाए। देखो रिश्तीना, सब्र से काम लो, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बाहर चले। मेरा दिल नहीं जा रहा। पर मेरा दिल तो जा रहा है। टॉस कर लेते हैं। टॉस रहने दे, चलते हैं। बस फिर उठो, तैयार हो। मैं तो तैयार हूं। मैं ठीक हूं ऐसे। ये इस हालत में जाओगी बाहर? पर अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो मुझे भी कोई मसला नहीं है। चलो कैसा लग रहा है इतने अरसे बाद बाहर आके? उजड़ा हुआ। इंसान के अंदर जो कैफियत और मंजर होते हैं ना, इंसान की आंखें भी उसको बाहर नहीं दिखाती। बिल्कुल सही बात है। मैंने नहीं कहा, एक दोस्त का स्टेटस लगा हुआ था, याद कर लिया, सोचा किसी अदबी गुफ्तगू में बोलूंगी। किसकी कॉल है? ये लूटा तो उठाओ ना। नहीं मुझे नहीं करना ये। तो
तुम्हारा तो शूट है 23rd को, 3 दिन बाद। मेरा दिल नहीं चाह रहा, 3 दिन है वो रख लेंगे किसी और को। क्या मतलब है दिल नहीं चाह रहा है? देखो येलो टैलेंट और स्पीड एनर्जी ड्रिंक कोई मजाक नहीं है, लाजमी करो, उठाओ फोन, उठाओ, कोई और कर लेगा नहरा। प्रोडक्शन का लाखों का पैसा लगा होता है तुम ऐसे नहीं छोड़ सकती हो, ना मैं तुम्हें छोड़ने दूंगी, उठाओ फोन कॉल, उठाओ। हेलो, उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक हो, ठीक है, ये भी गलत है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। कृष्णा आप अपने मार्ग पे आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ से चलते हुए आना है, ठीक है, ड्रिंक को उठाना है, फैन चलेगा, तुम्हारे बाल उड़ेंगे और तुम टर्न लोगे और बड़ी नज़ाकत से तुमने अपने बालों को संभालना है, ठीक है, फिर तुमने ड्रिंक का पहला घूंट लेते साथ ही एक ज़ोर से आह करनी है ताकि ये लगे कि तुम्हारी रूह तक मज़ा पहुँचे इस ड्रिंक का। उसके बाद तुम्हारी आँखें बंद होंगी, तुम्हारे जिस्म में एक करंट सा आएगा और तुम्हारी आंखें खुलेगी एक मुस्कान के साथ, एक स्माइल के साथ, और तुम बोलोगी स्लो लाइफ की स्पीड बढ़ाओ, स्पीड पियो, गेम बनाओ। समझ आ गई? हेलो, आ गया ना समझ? सो आर वी रेडी? रेडी, रेडी फरान, रेडी, रेडी जी, चलो जी लेट्स स्टार्ट, रिहर्सल करते हैं पहले, स्टार्ट करें। हाँ जी, रेडी, रेडी, रेडी जी, स्टैंड बाय, रोलिंग, रोलिंग, एक्शन। एक सेकेंड, कट कट कट। अबे यार ये वॉक कैसे कर रही है? तो मैंने पहले भी समझाया ये कोई वॉक हो रही है, बल्कि जो लोग देख रहे होंगे ना वो भी चैनल चेंज कर लेंगे, ठीक है, कम ऑन, लेट्स डू इट अगेन, सही से करके दिखाओ। स्टैंड बाय, रोलिंग, रोलिंग, एक्शन। नहीं यार, कट कट यार, कट। तुम्हें किस बात की समझ नहीं आ रही यार? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि स्क्रीन पे सिर्फ तुम नजर आ रही हो, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं और तुम्हारी वॉक ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की नजर तुमसे हटे ही ना, और जब तुम अपना होंठ ढीला करके सांस लो तो सबकी सांस रुक जानी चाहिए। समझ आ रही है बात की? अब समझ आ गई है? मुझे नहीं करना, मैंने कहा था हीरा से मुझे नहीं करना है, मैं अब मैं ये नहीं करूंगी। हेलो। हाँ फहीम,
आज कैसे याद आ गई आपको मेरी? तुम्हारी दोस्त रशीना किधर है? रशीना शूट पे गई हुई है। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? शूट पे नहीं है वो, उसी सेट पे एडी हूँ मैं। कॉल भी कर रहा हूँ, शूट छोड़ के भाग गई है वो, कॉल नहीं उठा रही। क्या मतलब है शूट छोड़ के चली गई है? यार नाराज होके चले गई है वो, खुदा का वास्ता उसे रब्ता करो, सेट लगा हुआ है कॉल नहीं उठा रही वो, लाइट जा रही है। मैं करती हूँ कॉल। ओके बाय। रस्तीना इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो आके। तुम शूट छोड़ आई हो? हाँ। पर क्यों? तुम्हें नहीं पता कि प्रोडक्शन का लाखों का नुकसान हो जाएगा? मेरी जिंदगी में मुझसे सब कुछ छिन गया, जिंदा हूं ना वो भी नहीं मरेंगे, मैं नहीं जा रही शूट पर। तुम्हें पता भी नहीं है कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें फेस करने पड़ेंगे। अभी उठो, वो इंतजार कर रहे हैं लोग तुम्हारा, जाओ शूट पर। मुझे नहीं जाना। मैं कह रही हूँ उठो और जाओ शूट पर। मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं जाना, और आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनेगी। रश्तीना सही कहा था आपने, दुनिया वो नहीं है, दुनिया ये है। सवाल नाचे जवाब गुम है, कहानी दर कहानी है, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।